संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म रामलीला का एक न्यू पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म के टाइटल को मॉडिफाई किया है। फिल्म के इस नए पोस्टर में राम और लीला के बीच एक डैश लगाया गया है। सोर्सेज की माने तो टाइटल में किए गए इस चेंज की वजह कॉन्ट्रोवर्सीज को अवॉइड करना हो सकता है। एक्टर शाहिद कपूर चाहते हैं कि उनकी फिल्म आर राजकुमार का ट्रेलर रणबीर कपूर की फिल्म बेशर्म के साथ रिलीज किया जाए। सोर्सेज की माने तो बेशर्म के लिए क्रिएट हुए पॉजिटिव बस को शाहिद अपनी फिल्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म कृष 3 नवंबर 4 की जगह अब 1 नवंबर फ्राइडे को रिलीज होगी। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिक्वेस्ट को मानते हुए राकेश रोशन ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट प्रीपोन करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले भी दो बार इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज की जा चुकी है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा अपनी प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म बॉबी जासूस की शूटिंग प्रिपरेशंस में इतनी बिजी हो गई है कि उन्होंने अब अपनी मैरिज प्लान्स को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। दिया मिर्जा इस फिल्म पर 2 साल से काम कर रही हैं और इस फिल्म में एक्ट्रेस विद्या बालन नजर आएंगे। एक्ट्रेस सनी लियोनी बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी काफी पॉपुलर हो गई है। तभी तो सुनने में आया है कि सनी लियोनी की लाइफ पर लॉस एंजलिस बेस्ड एक प्रोडक्शन हाउस डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है और सोर्सेज की माने तो सनी ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया है। विधु विनोद चोपड़ा के फेवरेट डायरेक्टर्स की लिस्ट में अब तक राजकुमार हिरानी और राजेश मापुसकर का ही नाम था, लेकिन अब सुनने में आया है कि फिल्म डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार की फिल्म्स को देखकर विधु उनकी फिल्म स्टाइल के फैन बन गए हैं और उन्होंने बिजॉय को अपनी एक फिल्म के लिए साइन कर दिया है।